कोई बहुत बंदा ले गरीब मन से चलान कटता आवा तो पूरा बीमारी वाले का बेरा लेना कट लिया चलान तो पागल आवा तो पूरा बीमारी वाले का बेरा लेना कट लिया चलान तो पागल कोई बहुत बंदा ले गरीब मन से चलान कटता एक बैठ का पड़दा मरीज पड़े यार वहां पड़े हैं उनका काट दो ना चलान है मेरा रिश्तेदार है और मेरे सामने मास्क ले रहे थे माथ में ले रहे थे जब चलान काट दी थी मास्क ले रहे थे बोलो चलान काट दिया 500 रुपये लेके जी। औरों को नसीहत खुद मियां फजीहत क्या ये नियम केवल आम जनता के लिए हैं अधिकारी के लिए कोई नियम नहीं है। कैथल अस्पताल के पीएमओ शैलेंद्र ममगई खुद उड़ा रहे हैं कोरोना नियमों की धज्जियां। पीएमओ यानी कि पी पब्लिक एम मास्क ओ फॉर ओनली चरितार्थ करते खुद लोगों को नसीहत देने वाले अधिकारी। बिना मास्क के नहीं आ सकता कोई अस्पताल इसी अधिकारी ने जारी किए हैं आदेश। बिना मास्क के अस्पताल में जनता के काटे जाते हैं 500-500 रुपए के चलान। टीवी चैनल पर लाइव आकर लोगों को देते हैं नसीहत। वहीं बता दें कि कल ही डीसी ने कैथल में कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए 4 से अधिक लोग इकट्ठे ना हों इसलिए धारा 144 लगाई है। कैथल सिविल अस्पताल में सस्ता इलाज करवाने के लिए आने वाले लोगों को जब 5 रुपये की पर्ची के साथ साथ 500 रुपये देने पड़ जाएं तो उनके दिल पर क्या बीतती होगी इसका आप और हम सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसा ही पिछले दिनों सिविल अस्पताल कैथल में देखने को मिला जब पीएमओ शैलेंद्र ममगई शैली ने अस्पताल में आए लोगों के बिना मास्क लगाए होने पर 500 रुपये के चालान काट दिए थे। इसका लोगों ने विरोध भी किया लेकिन इनकी एक नहीं सुनी गई। लेकिन नियम सबके लिए बराबर होते हैं परंतु आज स्वयं कैथल अस्पताल के पीएमओ शैलेंद्र ममगई शैली एक सामाजिक संस्था के कार्यक्रम में बिना मास्क के देखे गए हैं। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोग मौजूद थे लेकिन इन साहब से कोई पूछने वाला भी है कि नहीं कि आपका मास्क कहाँ है। कोई बात है बंदे वाले गरीब मन से चलान कटता आवा तो पूरा बीमारी वाले का बेरा लेना कट लिया चलान तो पागल आवा तो पूरा बीमारी वाले का बेरा लेना कट लिया चलान तो पागल कोई बात है बंदे वाले गरीब मन से चलान कटता एक बैठ का पड़दा मरीज पड़े यार वहां पड़े हैं उनका काट दो ना चलान है मेरा रिश्तेदार है और मेरे सामने मास्क ले रहे थे माथ में ले रहे थे जब चलान काट दी थी मास्क ले रहे थे बोलो जब चलान काट दिया 500 रुपये लेके जी।